डब्ल्यूटीओ कॉन्फरन्स कवर करताना मी जनेवामध्ये एका अशा व्यक्तीला भेटलोय जो मागील 18 वर्षांपासून जगभर फिरतोय एचआयव्ही एड्स बद्दल लोकांना जागृत करण्यासाठी। आणि मला अभिमान आहे की तो व्यक्ती आपल्या भारताचा आहे आणि ह्या सायकलवर त्याने जवळपास 160 देशांमध्ये तो जाऊन आला आहे। म्हणून मागील 18 वर्ष 2004 हा निघाला होता दिल्ली इथून आणि आता जेनेवा स्वित्झर्लंड मध्ये पोहोचला आहे। हा व्यक्ती का असा घरात बाहेर निघाला, का जगभर फिरतोय, त्याचा हेतू काय, हे सगळं ह्या व्यक्तीकडनं जाणून घेऊया। या व्यक्तीचं नाव आहे सोमेन देवनाथ। हाय सोमेन, एबीपी नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम यहाँ कवरेज करते करते आपको मिले। आप बताइए कि आप कब निकले थे घर से, भारत से, और कितने साल हो गए आप सड़क पे या देशों में घूम रहे हैं? 2004 में ये यात्रा का शुरुआत हुई फ्रॉम ए छोटा सा गांव जिसका नाम है सुंदरबन का बसंती गांव। वहां से शुरुआत करके मैं पूरा भारत सफर किए है 2004 से 2006 तक। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, द्वारका से कामाख्या, अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम, 28 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरी का सफर पहले शुरुआत किए, और उसके बाद 28 कंट्री एशिया में, यूरोप में 48 कंट्री, अफ्रीका में 52 कंट्री, मिडिल ईस्ट में 10 कंट्री, साउथ अमेरिका में 13 कंट्री, अंटार्कटिका 15 कंट्री, कैरिबियन में 8 कंट्री, सेंट्रल अमेरिका में, फिर यूएसए कनाडा होते हुए रशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, ये करते हुए लास्ट जिब्राल्टर, एंडोरा एंड मोनाको होते हुए 163 देश का सफर तैयार करके मैं यहाँ आया हूँ। तो आज यूएन के सामने आपको साथ मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अपने भाई बंधु और अपने परिवार जहाँ मिलते हैं वहाँ पे अपना महसूस होता है। तो ये आपने शुरुआत क्यों की? आपने कहा आप एचआईवी एड्स को लेकर पूरे विश्व में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या सोचा, और फिर आप जब ये देशों में घूमते हो तो कहाँ कहाँ जाके आप क्या क्या करते हैं? देखिए 2004 में शुरुआत करने के पहले मैं जब 14 उम्र में था तो किसी ने एचआईवी पीड़ित होकर मर गए थे। तो वहां पे एक न्यूज़पेपर में मुझे पता चला जो ये एचआईवी एक भयंकर बीमारी है, और वहां पे एक कोटेशन था एड्स डेडलियर देन कैंसर। तो मुझे लगा कैंसर सबसे भयंकर चीज है, ये एड्स क्या है, ऐसा मेरी यात्रा का शुरुआत हुई। फिर मैं पढ़ना शुरू किए, वेस्ट बंगाल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी से जुड़ा रहने की कोशिश किए, और उसके बाद मैं गांव-गांव में जाके इसके सफर शुरुआत किए। तो फिर 2000 से 2004 तक इस तरह शुरुआत करते हुए मैं इंफॉर्मेशन देते गए, और इसी तरह मैं भारत सफर किए एचआईवी मिशन लेके, हजारों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए। और भारत जब सफर कर रहा था तब मैं 25 चीफ मिनिस्टर, 26 गवर्नर से मुझे रिवार्ड मिले थे। उसके बाद मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को साथ मिलने के मौका मिले, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी थे तब, तो उन्होंने 4 और मिनिस्टर, प्रियंजन दास मुंशी, अंदामनी रामदास अंबिका सोनी एंड हिमसेल्फ, तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स, ये सब मिलके मुझे फ्लैग अप किए थे। अच्छा। तो मुझे जब फ्लैग अप किए थे तब मुझे 5 कंट्री के वीजे मिले थे, 50,000 रुपया मिले थे, और 5 चिट्ठी मिले थे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से। तो वो चिट्ठी लेके मैं एक देश से दूसरा देश इस तरह चलते गए, और हर जगह में एम्बेसडर, लोकल इंडियन कम्युनिटी से मिलाते हैं, लोकल बिजनेस कम्युनिटी से मिलाते हैं, वहाँ पे मैं छोटा सा लेक्चर देते हैं, डिफरेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने के लिए मौका मिलते हैं, और साथ साथ उन्होंने मुझे वहाँ का, हर देश का जो न्यूज़पेपर, टेलीविजन है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं, जिससे एक साइड से लोगों को पास मीडिया के थ्रू से अवेयरनेस पहुँचे, लोगों के पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से अवेयरनेस पहुँचे, और इंस्टीट्यूशन के थ्रू से यूथ ऑन ए मिशन, इसी तरह एक काम करने के लिए। जैकेट पे जहां जहां गए वहां वहां के आप, ये तो लोगों को प्यार का निशानी है। लगभग 32 प्रेसिडेंट एंड 72 प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं ड्यूरिंग दिस ट्रिप, और लगभग 300-400 तो डिफरेंट मिनिस्टर्स होंगे। लास्ट 18 साल इस सफर में हूँ। तो
18 साल कितने किलोमीटर हुए आपने कुछ काउंट किया? 182,000 किलोमीटर का सफर किए मैं। 182,000 किलोमीटर तो साइकिल पे आप सवार करते हैं, तकलीफ भी आती होगी, सड़क भी ठीक नहीं होगी, अनजान रास्ता होते हैं। शायद आप सुने होंगे जो एबीपी न्यूज एक कवरेज किए थे, जो जब मुझे अफगानिस्तान में तालिबान ने मुझे पकड़ लिए थे, तो आई वॉज 24 डेज कैप्चर्ड बाई तालिबान, 4 डेज कंटिन्यूअस एंड बीटन, 9 डेज देयर क्लीनर एंड लास्ट 11 डेज देयर कुक। सो मुझे इसी तरह उनको पास भी रहने के लिए मौका मिले, फिर उन्होंने आग बंद करके मुझे रास्ता में छोड़ के गए थे। तो मुझे पिटाई किए, मैं उनको क्लीनर के काम किए, मैं उनके लिए खाना बनाए। तो सबसे यादगार इस पूरे जर्नी में कौन से लम्हे रहे, कौन से चुनौतीपूर्ण लम्हे रहे आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो मैं ये बता सकता हूँ, जब मुझे तालिबान ने पकड़ लिया था, तो मैं आई फेस्ड ऑल्सो मेनी टाइम्स डिफरेंट डिफिकल्टीज, ऑलमोस्ट 28 times रॉब्ड, 28 बार मुझे सब कुछ लूट लिया गया, लगभग 17-18 बार लोगों ने पिटाई की है, स्किन हेटेड पीपल, जो काले लोग वो सफेद लोगों को विश्वास नहीं करते हैं, सफेद जो है वो रेसिज्म। तो वहाँ पे मुझे लगा, जो देखिए, इफ यू आर गेस्ट हाउ यू कुड कंप्लेन, आप कोई देश में गेस्ट होके आओ तो आपको कंप्लेन करने के जगह नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई लर्न्ड। इसके बाद भी आप अपनी ये जर्नी जारी रखी आपने, आप उभरते वंडरफुल जर्नी व्हिच ब्रॉट मी 163 कंट्रीज एंड मोर। कितने कंट्रीज बचे? मोर 28 कंट्रीज आई विल ट्रेवल, सो 191 कंट्रीज व्हेन आई लेफ्ट 2004, दैट टाइम यूनाइटेड नेशंस नॉमिनेटेड कंट्री वाज 191, सो दैट्स व्हाई आई चूज नाउ 193, सो दो बढ़ गए। सो इसी तरह मेरे एक छोटा सा वक्तव्य है जो मैं सभी आपको दर्शकों को देना चाहता हूँ। इट इज़ ए ग्रेट टू मीट यू हियर एंड मैं मेरे सभी देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ, 2022 में दिसंबर में मैं इंडिया वापस जाएंगे। ये 6,666 दिन का सफर है, 6,666 डेज, सो आई विल बी हैप्पी टू बी बैक टू इंडिया एंड लिव। विल बी हैप्पी टू सी यू इन इंडिया। तर ह्या व्यक्तीनं एच आय व्ही एड्सचा अवेअरनेस करण्यासाठी भारतातनं सुरुवात केली, 163 देशांमध्ये हा गेला, अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं, त्यासोबतच आता आणखीन जवळपास 30 देशांना त्याला फिरायचं आहे। स्वित्झर्लंडला तो पोचला आहे, जिनेवाच्या यू एन हेडक्वार्टरच्या इथं आलेला आहे, इथंही लोकांना तो भेटेल, आपलं काम करेल आणि नंतर 2022 डिसेंबरमध्ये तो भारतात परत येणार आहे। 6,666 दिवसांचा हा प्रवास संपून हिम्मत या व्यक्तीची जी दाद दिली पाहिजे आणि आम्ही त्याला शुभेच्छा देतो आणि एबीव्ही माझाशी त्यानं हे संवाद साधलेला आहे त्याबद्दल त्याचे खूप खूप आभार। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।